ये मेरा सबसे पहला मोटो व्लॉगिंग है, पूरा गोल्ड गोल्ड। तो स्वागत है सबका जन्नत में। ओ पूरा ऑफ रोड है भाई, ये पत्थर है, नुकीले वाले पत्थर। यहाँ पता नहीं था बोटिंग भी है। वापिस आने में बहुत प्रॉब्लम होगा, पता नहीं कितना गहरा है, पानी साफ है। बहुत अच्छी जगह, हाईली रिकमेंडेड है। हालत खराब हो गई एकदम। तो देखते हैं गूगल मैप एक्यूरेट है या नहीं है। ये देखो ये क्या है, और यहाँ पे सनसेट हो रहा है मस्त। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मौसम आप देख सकते हो बहुत ही मस्त है, और आज टाइम भी है, आज है सैटरडे। तो मैंने ख्याति ने सोचा कि अभी बहुत टाइम से बाहर नहीं गए कोई भी बाइक ट्रिप पे, तो आज एक ट्रिप कर देते हैं। तो यहाँ बेंगलोर से ही अराउंड 40-50 किलोमीटर है मुथियाला मादुल, एक अच्छी जगह है, वाटरफॉल है, हिल स्टेशन जैसा है जितना मैंने ऑनलाइन देखा था। तो हम वहाँ जाएंगे और सारी डिटेल्स हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। और अभी हम सीधा मिलते हैं बाइक पे। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। क्या तगड़ा मौसम है आज, एकदम तगड़ा मौसम। अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं आ रही, बहुत टाइम के बाद निकला हूँ मैं। यहाँ से 35 किलोमीटर दिखा रहा है हमारा डेस्टिनेशन। ओ बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश तो बारिश खत्म हो गई, बस थोड़ी बूंद बूंद आ रही है, उतना तो चलता है। हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, मेरी बाइक ऐसे ऐसे हो रही है, बाइक स्पीड में भी नहीं चल रही हवा की वजह से। मैक्स टू मैक्स 60-70 चल रही है बाइक। राइट साइड लेक देख सकते हो, कौन सा लेक है पता नहीं, मैप में भी नहीं आ रहा, बट अच्छा दिख रहा है। पूरा गोल्ड गोल्ड कलर का मस्त टेम्पल है बजरंग बली का। जय बजरंग बली। बहुत अच्छी ग्रीनरी है दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट। और जब से रेनकोट पहना है बारिश ही नहीं आ रही। वाह, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अब जैसे ही रेनकोट निकालूंगा ना, बारिश अब चालू हो जाएगी एकदम। काफ़ी सारे टूरिस्ट बाइकर दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे लोग तो होंगे बहुत सारे। जय बजरंग बली। तो स्वागत है सबका जन्नत में। मस्त रोड दिख रही है ना यहाँ से ऊपर, रोड दोनों साइड ग्रीनरी, मस्त हवा आ रही है, बाइक चलाने में भी बहुत मस्त आ मज़ा आ रहा है। यह जन्नत ही है मेरे लिए। कोई एक गांव है, मेरा ध्यान मैप में था नहीं कौन सा गांव है, अभी आगे रुकूंगा तो मैं बताता हूँ। और हाँ, यहाँ पे BMTC बस चल रही है, मेरे ख्याल से आप बेंगलोर से आ रहे हो तो यहाँ पे बस चल रही है। ये देखो BMTC की बसेस। हाँ, इलेक्ट्रिक बस भी यहाँ पे हम लोगों ने बहुत देखी है, बहुत चल रही है। तो आप अगर बेंगलोर से आ रहे हो और बाई बस आना है, फिर भी आ सकते हो आप। ये यहाँ पे देखो स्टॉप है पूरा, अगर आप बाइक से आ रहे हो तो थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि लौटते वक्त शायद यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह मुझे अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा, तो दिक्कत हो सकती है। भाई जितने भी लोग देख रहे हैं ना, मुस्कुरा रहे हैं मेरे सामने, GoPro कैमरा लगाया है ना इसलिए। वाटरफॉल है ना, और क्या क्या है यहाँ पे देखने लायक? वाटरफॉल है, टेंपल है, बोटिंग भी है। ओके, टू व्हीलर 20, बस 100, टेम्पो ट्रैवलर 50। ये जगह तो मस्त दिख रही है, डैम है देखने लायक, फिर वाटरफॉल है, बोटिंग भी है। ओ भाई 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 भाई, ओ भाई क्या बाइक हो, एडवेंचर हो गई है भाई, बाइक पूरा एडवेंचर हो गया यहाँ पे ऊपर आने में। ओ वहाँ से ऊपर आए हम यहाँ तक। ओ भाई यहाँ पे बाइक वगैरह कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं सोच रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारी बाइक्स वगैरह पड़ी है टूरिस्ट, वहाँ पे ही चलता है। वो पूरा ऑफ रोड है भाई, चलो मज़ा आएगा, नीचे जाना है ऑफ रोड में। ये पत्थर है, नुकीले वाले पत्थर। ओ मेरा पहला ऑफ रोड, मज़ा आ रहा है ऑफ रोड में। ओ भाई मज़ा आ रहा है बोटिंग करने में, फर्स्ट टाइम। क्या थी, कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? यहाँ पे आए, यहाँ पता नहीं था बोटिंग भी है ये पता ही नहीं चल रहा। ये हमें यहाँ पे उल्टा है एक्चुअली, ये साइड करेंगे तो बोट ऐसे जाएगी, और साइड करेंगे तो बोट ऐसे आएगी। क्या व्यू है, हाँ अब पता चल रहा है धीरे धीरे।
वो साइड दर्शने करने से अब हो गया, अब सीधा जाना है तो बस ये सीधा कर दो। ओ भाई बहुत मजा आ रहा है चलाने में, अब मैं भी चलाऊंगा, ख्याति चलाएगी सी। बहुत मजा आ रहा है और क्या मौसम है आज, अच्छा हुआ वैसे धूप नहीं है वरना मजा नहीं आता है ना इतना। ओह फाइनली भाई बोटिंग खत्म होने को आया है, यहाँ पे जाना है हमें भाई, ये है लेफ्ट साइड जाना है तो इसको राइट साइड करना पड़ेगा, राइट साइड जाना है तो लेफ्ट साइड करना पड़ेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था स्टार्टिंग में, अब नहीं लग रहा, बट मज़ा आया आज, बहुत मज़ा आया। पार्किंग है यहाँ पे और अभी हम जा रहे हैं टेम्पल, यहाँ पे नीचे टेम्पल और वाटरफॉल दोनों है, देखते हैं। और यहाँ पे पार्किंग चार्जेस 20 है और एंट्री चार्जेस भी 20 है, ऐसे नीचे रास्ता है पूरा। भाई साहब बहुत सारे स्टेप्स है ऐसे, यहाँ पे लेके वो ऊपर जा रहा है ऐसे zigzag में स्टेप है, ऐसे नीचे ही चलना है, दिक्कत नहीं हो रही, वापिस आने में बहुत प्रॉब्लम होगा। और अभी बज गए हैं 4:30 और कुछ डिस्टेंस में ऐसा भी है आप यहाँ बैठकर नाश्ता वगैरह कर सकते हो, रेस्ट भी ले सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे रेलिंग नहीं है पकड़ने के लिए, रेलिंग होती तो मज़ा आता सपोर्ट के लिए। ये ऊपर से स्टेप और यहाँ पे वाटरफॉल है, ओ अच्छा वाटरफॉल है, पता नहीं कितना गहरा है, इतना गहरा नहीं है ना, नॉर्मल है, ट्राई नहीं कर सकते बट अच्छा वाटरफॉल है। सामने टेम्पल है और वहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ थोड़े फोटोज वगैरह खींचेंगे जो कि आपको इंस्टाग्राम में देखने को मिलेगा, तो फॉलो कर लेना ठीक है। पता नहीं कितना गहरा है, पानी साफ है या नहीं तो इसलिए नहीं गए अंदर। तो ये महादेव का टेम्पल है, शिवलिंगा है महादेव का, तो ऐसा कुछ टेम्पल दिख रहा है, ये रहा। ए यार हर महादेव भाई, जिनको भी दर्शन करने महादेव के कर लो। यहाँ पर भी शायद कुछ है, यहाँ पे भाई आप फोटो वगैरह खींचो तो ध्यान रखना, मंकी वगैरह बहुत सारे हैं पेड़ पे। ये देख लो शिवलिंगा हर हर महादेव, मूर्ति है भगवान की, खूबसूरत प्लेस को बाय बोलने का समय आ गया है, बहुत अच्छी जगह है, हाईली रिकमेंडेड है। ओ कैसे चढ़ेंगे भाई ये पूरे स्टेप्स, पता नहीं चल रहा, हालत खराब हो गई है एकदम, खतरनाक हालत हो गई है। जो लोग यहाँ पे रुकना चाहते हैं वो देख लो, ये होटल मयूरा। अभी बज गया है 5:30 और इसमें दिखा रहा है 37 किलोमीटर्स और अभी हुआ है 41 किलोमीटर्स, तो देखते हैं गूगल मैप एक्यूरेट है या नहीं है। गूगल मैप के हिसाब से हम 1.5 घंटा लगेगा, 1 hour 30 minutes, तो देखते हैं हम 1.5 घंटे में पहुंचते हैं या नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है बारिश नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, कूल टेम्परेचर है, कूल एकदम। तो गाइस बताना, ये मेरा सबसे पहला मोटो व्लॉगिंग है, आपको मेरा मोटो व्लॉगिंग कैसा लगा और जगह कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो लाइक कर देना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत मोटिवेट होऊंगा ऐसे वीडियोज़ बनाने में, मोटिवेट मुझे होगा ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहूँगा ठीक है। तो कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना ठीक है। बाकी अभी देखो ये छोटा सा गांव आ गया है, गांव के घर मतलब अच्छे दिखते हैं, कुछ अलग दिखते हैं, मज़ा आता है देखने में। ये देखो ये क्या है, क्या है, कोई तो स्टैचू था, कुछ यूनिक स्टैचू था, मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। और यहाँ के टेम्पल भी मतलब बहुत ही कलरफुल होते हैं, बहुत सारे कलर्स वगैरह यूज़ करते हैं बनाने में। ये देखो
कितना मस्त दिख रहा है। और भाई बहुत मजा आ रहा है बाइक चलाने में, क्योंकि बेंगलोर के अंदर तो इतने ट्रैफिक में बोर हो जाता है। जो भी बेंगलोर या मेट्रो सिटी से है उनको पता होगा ट्रैफिक में बाइक चलाना या कोई भी व्हीकल चलाना कितना हेक्टिक होता है। क्या रास्ता बताया है गूगल मैप ने, गांव का रास्ता दिखाया है। यहाँ पे शायद ये गांव खत्म हो गया। थोड़ी थोड़ी रबड़ की बदबू आ रही है। यहाँ पे ट्रेन जा रही है ऊपर से, और देखो क्या सनसेट हो रहा है। 9.3 किलोमीटर रिमेनिंग और यहाँ पे सनसेट हो रहा है मस्त। ओ क्रिकेट खेल रहे लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी प्यारी बाइक खड़ी है। क्या व्यू है यार, इतना ट्रैफिक और इतने बड़े बड़े बिल्डिंग देखकर आप समझ ही गए होंगे हम बेंगलोर सिटी में आ गए। बेंगलोर प्रॉपर सिटी, कहाँ हम खाली रास्ता पे जुब जुब चला रहे थे और कहाँ मैं यहाँ ट्रैफिक में 20 की स्पीड 30 की स्पीड में चला रहा हूँ। वाह, और वहाँ बीच में से कितने सारे बर्ड्स जा रहे उड़ के, कितना मस्त दिख रहा है व्यू पूरा। सामने भी इतना ट्रैफिक है, यहाँ भी। हम घर पे पहुंच गए 8:30 बजे और अभी बज गया है 9:07। तो फाइनली हम घर पे पहुंच गए, और आप सबको हमारा वीडियो ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अगर अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। हमें तो ये ट्रिप में बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया ही होगा होपफुली। बहुत सारी हम लोगों ने मतलब छोटी एक बाइक राइड ट्रिप थी, एक बेंगलोर के नज़दीकी थी, अराउंड 40 किलोमीटर्स, वन वे 40 किलोमीटर। तो हमें बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया तो लाइक कर देना। और अगर मिलते हैं ऐसे दूसरे कोई भी मस्त वीडियो में, till then bye, jai hind।